वेल गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू दिस सेशन आई होप मेरा वीडियो और वॉइस आप तक पहुँच रहा है तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसमें हम बात करेंगे राशिद रोवर के बारे में जो कि अरब वर्ल्ड का पहला लूनर रूवर है और इसे लॉन्च किया गया है यूएई के द्वारा किसकी मदद से और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे बस जानकारी से देने से पहले मैं आपको बता दूं चैनल का नाम एम्बिस बाबा है और मेरा नाम नीनम है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझसे जुड़ना है ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से चलिए आगे बढ़ते हैं तो गाइज़ आप देख सकते हैं हाल ही फिलहाल में इंडियन एक्सप्रेस ने का ये नोटिफिकेशन है ये न्यूज़ है जिसमें उसने बताया है कि जापान की जो कंपनी का जो लैंडर रॉकेट है वो मून पे यूएई का रोवर लेके जा रहा है आइए इसके बारे में बात करते हैं तो राशिद रोवर की बात करें तो ये है क्या तो ये अरब वर्ल्ड का पहला लूनर रोवर यानी मून पे भेजा जाने वाला पहला रोवर होगा अरब वर्ल्ड का जिसे जिसका नाम रखा गया है लेट शेख राशिद बिन अल अलमखतूम जो कि फॉर्मर रूलर थे दुबई के इस रोवर की अगर हम बात करें तो थ्री एट फाइव ट्रिपल ज़ीरो किलोमीटर लंबी जर्नी करेगा और पहुंचेगा लूनर सरफेस यानी मून की सतह तक पहुंचेगा और बन जाएगा या बना देगा यूएई को चौथा देश जो कि मून की सतह पे सक्सेसफुली लैंड करेगा अगर कर पाया तो जैसा माना जाता है कि ये चार पहिए वाला रोवर है इसका वेट है लगभग लग 10 किलो और इसे बिल्ड किया है मोहम्मद बीन राशिद स्पेस सेंटर एम ने जो कि हिस्सा है एक प्रोजेक्ट का जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था जो ये डेस्टिनेशन है इस रोवर का वो आपको ध्यान रखना है ये है एटलस क्रेटर तो मून में एक क्रेटर है क्रेटर इज काइंड ऑफ अ होल ठीक है तो एक क्रेटर है जहां पे इसे प्लेस किया जाएगा इन मेरी फ्रिगोरिस साइट ऑन द मून्स नियर साइड द वन फेसिंग द अर्थ यानी आप जानते ही हैं ये अर्थ है ये मून है तो वो हिस्सा जो अर्थ को फेस कर रहा है उस हिस्से पे इसको लगाया जाएगा या वहां उतारा जाएगा इट इज़ इक्विप्ड विथ टू हाई रेजोल्यूशन कैमराज दो अच्छी क्वालिटी के कैमराज हैं हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोपिक कैमरा है यानी वहां पे जो भी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें हैं उनकी ये स्टडी कर सके वहां का अगर हम एयर की बात करें डस्ट पार्टिकल्स की बात करें सॉइल की बात करें ताकि माइन्यूट uh, डिटेल्स को कैप्चर किया जा सके और थर्मल इमेजिंग हो सके जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे लॉन्च कब किया गया है 11 दिसंबर 2022 को फैल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट से और ये लैंड करेगा एटलस क्रेटर पे तो ये एटलस क्रेटर को भी ध्यान में रखिएगा ठीक है तो इस तरह का आ, ये रोवर है जिसे लैंड कराएगा यू पूरी कोशिश है कि सक्सेसफुल रहे मिशन अगर हम इस मिशन की बात करें मून की तो यूएस ने स्टार्ट किया था काफी अटैम्प्ट के बाद उन्हें सक्सेस मिली थी हालांकि इंडिया ने फर्स्ट अटैम्प्ट किया था अगर हम राष्ट्र ओवर की बात करें तो ये लैंगमूर प्रोब का इस्तेमाल करेगा कि जो कि स्टडी करेगा मून के प्लाज्मा को ये इसका इस्तेमाल जो लैंगमूर प्रोब है इसका इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मा को स्टडी करने के लिए और अटेम्प्ट करेगा एक्सप्लेन करने के लिए क्या रीजंस हैं कि जो मून का जो डस्ट है या जो धूल है वो इतनी स्टिकी होती है ठीक है इसके अलावा राशिद रोवर की बात करें तो ये स्टडी करेगा लून का सरफेस वहाँ की मोबिलिटी सरफेस ऑफ मून और किस तरह से जो डिफरेंट सर्फिसज हैं वो इंटरैक्ट करती हैं लूनर पार्टिकल्स के साथ तो इस तरह की जो स्टडीज हैं उनको कैरी आउट करेगा इसके आगे जैसा मैंने कहा जापान के लैंडर ने इस रोवर को कैरी किया है तो उसका नाम क्या है हकूतो तो कौन लेके गया है कौन सा लैंडर है ये आ, वो है हकूतो ये आपको याद रखना है जापान का है राशिद रोवर इस कनेटली हेचकिंग आई मीन ये इसका ट्रांसपोर्टेशन हकूतो आर लैंडर के द्वारा किया जा रहा है जिसे जापान की आई स्पेस ने डेवलप किया है अब क्योंकि यू का प्लान नहीं है अपना इंडिजिनियस लैंडर बिल्ड करने का बिकॉज ऑब्वियसली बात है उसमें भी खर्चा आता है, है ना तो रोवर उन्होंने बिल्ड कर लिया और वो जापान की मदद से वहाँ लैंड करेंगे ठीक है और इसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जापानीज कंपनी के साथ इस लूनर लैंडिंग के लिए तो इनको सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली और इत, इस टेक्नोलॉजी में इन्हें पैसा नहीं लगाना पड़ेगा एमरेट्स या यूएई की बात करें या इस लूनर मिशन की बात करें तो ये पहला लूनर होगा मिशन होगा जो कि लैंड करेगा हकूत व आर के लिए भी यानी इसका भी ये पहला ट्रांसपोर्टेशन वर्क है जिसके तहत वो कहीं का रोवर लेके जा रहा है लूनर सरफेस पे ठीक है अगर हम इस लैंडर की बात करें तो इसमें प्रोपल्शन है और नाविगेशन सिस्टम है जिसकी मदद से ये जो लैंडिंग प्रोसेस है उसे सक्सेसफुली कंडक्ट किया जाएगा आगे बढ़ते हैं राशिद रोवर की बात करें तो ये हिस्सा है यूएई के एम्बिश स्पेस प्रोग्राम देखो तो ज़रा आप जानते हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएई के और बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रहते हैं भाई वहाँ तो हाईटेक सिटी के निर्माण की बात हो रही है वहाँ व्हीकल्स उड़ने वाले हैं निर्माण हो चुका है उनका अलग ही एक प्रिपरेशन है, है ना और इसी के तहत उन्होंने कहा है कि हमारा एम है Uh, की नॉलेज ट्रांसफ़र और डेवलपिंग हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको और ऐड करना एक साइंटिफिक इम्प्रिंट uh, मानव के इतिहास में ठीक है और अगर हम स्पेस की बात करें जो कि जापान की कंपनी है ये एक प्राइवेटली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है ये इसने शेयर किया है कॉन्ट्रैक्ट ये इसका कॉन्ट्रैक्ट नासा के साथ भी है जो कि फेरी uh, करती है पेलोड्स को लूनर सरफेस पे फ्रॉम uh, 2025 तो so, 2025 से ये पेलोड्स को ले जाएगी नासा के लिए भी कौन स्पेस जो कि जापान की कंपनी है आगे बढ़ते हैं uh, इसका एम है क्रिएट करना एक परमानेंटली स्टाफ लूनर कॉलोनी यानी बहुत बड़े अरमान है यहाँ पे लूनर uh, यानी मून पे कॉलोनी ह्यूमन कॉलोनी क्रिएट करने की बात हो रही है 2040 तक परमानेंटली अभी ह्यूमन सक्सेसफुली लैंड नहीं हुए हैं वहाँ है ना और इतना बड़ा प्लान है कि वहाँ हम अपनी कॉलोनी बनाएंगे और अगर आप देखिए तो काफ़ी लोगों ने अभी से ही बुकिंग कर ली है मून की सतह पे ज़मीन खरीद ली है है ना और इसी के चलते वो अगर आपको याद आ रहा होगा अभी हमने आज सुबह ही डिस्कस किया था कि स्पेसिक्स का मिशन है जिसके तहत वो आठ क्रू मेंबर्स को लेके जा रहा है मून पे जिसका मतलब है मून पे लैंड नहीं कराएगा मून के चारों तरफ चक्कर काट के छह दिन के बाद वापस ले आएगा ठीक है और इसमें इंडिया के जो बालवीर के कैरेक्टर हैं जिन जो निभाते हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो गाय ये छोटी मोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए राशिद रोवर के बारे में आ, कौन सी कंट्री का है कौन क्यों इसे लॉन्च किया जा रहा है किसकी मदद से किया जा रहा इन केस है इनकेस कोई आते हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा और इस तरह के जो सेशंस से हैं उनको अटेंड करना मत भूलिएगा साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे क्लास लूं तो आप मुझे मैसेज करके बता भी सकते हैं बिल्कुल मैं उसको ध्यान में रखूंगी बशर्ते आपको रेगुलर रहना पड़ेगा सेशन के साथ ठीक है तो टेस्ट डॉट एम्बिश बाबा डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है जिसे आप विजिट करेंगे फॉर मोर अपडेट्स एंड मॉक टेस्ट रिलेटेड टू बैंक एस रेलवे एंड अदर प्रमोशनल एग्जाम तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में तो जैसा मैं कहती हूँ स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जारी रखिए रोज़ाना न्यूज़ को ज़रूर फॉलो करिए और मेरे लेक्चर को अटेंड करना मत भूलिए